दोस्तों 5G का इंतजार तो हर किसी को था। आखिरकार इसे 1 अक्टूबर को लॉन्च कर ही दिया गया। एयरटेल और रिलायंस जियो ने तो अपनी 5G सर्विस को कुछ शहरों में लॉन्च भी कर दिया है। दोस्तों 5G आने के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि 5G इंटरनेट यूज करने के लिए नई सिम लेनी होगी या नहीं, और ये भी सवाल है कि 5G इंटरनेट यूज करने के लिए कितने का रिचार्ज कराना होगा। दोस्तों कमाल की जानकारी देंगे, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सवाल नंबर 1, क्या 5G इंटरनेट चलाने के लिए नई सिम लेनी होगी? दोस्तों 5G सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 5G स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5G सर्विस का इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी कि आपको 5G सिम कार्ड नहीं 5G स्मार्टफोन लेना होगा। सवाल नंबर 2, 5G का रिचार्ज प्लान कितने का होगा? 5G रिचार्ज प्लान को लेकर फिलहाल एयरटेल, जियो या कैबिनेट मंत्रालय ने अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं किया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 5G के प्लान 4G के प्लान की तरह ही होगी, बस थोड़ा बहुत ही महंगा होगा। सवाल नंबर 3, क्या भारत में 5G लॉन्च होने के बाद 4G फोन्स या 4G गैजेट्स बेकार हो जाएगा? कमाल की जानकारी देंगे, आप सिर्फ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में मोदी जी ने भारत के कुल 8 शहरों में 5G नेटवर्क की सेवा शुरू कर दी गई है, और भारत में 5G को आने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि 5G आने के बाद 4G सिम या 4G मोबाइल का क्या होगा, क्या ये बेकार हो जाएगा? दोस्तों ये बात तो सच है कि 5G के स्पीड के आगे 4G का स्पीड कुछ भी नहीं है। जहां 5G नेटवर्क 1 GB पर सेकंड की स्पीड से डेटा को डाउनलोड करता है, वहीं 4G नेटवर्क 1 सेकंड में सिर्फ 200 MB तक के डेटा को डाउनलोड कर सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर बात ये आती है कि जब तक सरकार 5G को पूरे भारत में लॉन्च न कर दे तब तक ये 4G नेटवर्क बेकार नहीं होगा। तब तक 4G नेटवर्क जैसे अभी स्पीड दे रही है आगे भी ऐसी ही स्पीड देती रहेगी।